मैं दावत देना चाहता हूं हजरत मौलाना जलील साहब को, जो कि अभी टोरांगा मस्जिद के इमाम हैं, कि वो आकर अपना खिताब पेश फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सल्लल्लाहु वसल्लम व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, फऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत। قال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب محمد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। اللهم صل على سيدنا ومولانا باروي محمد على النبي سيدنا ومولانا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। इलाही हमद से आजिज है ये सारा जहां तेरा, इलाही हमद से आजिज है ये सारा जहां तेरा, कि जहां वालों से क्यों कर हो सके जिक्रो बया तेरा। इसलिए कि जमी वो आसमां के जर्रे जर्रे में तेरे जलवे, जमी वो आसमां के जर्रे जर्रे में तेरे जलवे, मेरे मौला निगाहों ने जिधर देखा नजर आया तेरे निशा तेरा। ठिकाना हर जगह समझते हैं ये सब जहां वाले, ठिकाना हर जगह समझते हैं ये सब जहां वाले, मेरे मौला समझ में आ नहीं सकता कि ठिकाना है। काबिले कदर महफिल सदर, काबिले इकराम उलमा इकराम, हुज्जाजे इकराम, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, सबको सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला शुक्र करम इंसान है कि परवरदिगार आलम सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक बख्शी। दिली दुआ है मालिक मौला हमारी हाजिरी को, हमारी सजनों को, नमाजों को अपने अभी से अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जिन साथियों ने ये बाबरकत जलसा को मुनक्कद किया है, मालिक मौला उनकी जिंदगी में, कमाई में, कारोबार में, ईमान में, जिंदगी के सफर में, हर लम्हे में बेशुमार रहमतों और करोड़ों बरकतों का नुज़ूल फरमा। हज़रात इकराम, हम बहुत दूर दराज की सफर तय करके आए हुए हैं और अभी अभी हम सब रास्ते में, हम चले हैं आलम अरवाह से, वहां से मां के शिकम के अंदर आए, थोड़ी दिन का ट्रांजिट था वहां पर, 7 महीना 9 महीना, उसके बाद फिर हम आगे चले आए ये दुनिया के पेट के अंदर। यहां हमारा ट्रांजिट यहां भी है, कोई ना समझे कि यहां हमेशा रहना है। प्यारे, हमेशा रहना नहीं इस दारे फानी में, इसलिए कुछ अच्छे काम कर लो दो दिन की जिंदगानी में। माय डियर ब्रदर्स, दी एमसी साहब हैज रिक्वेस्टेड मी टू से फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश, सम ऑफ दी ब्रदर्स डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एंड उर्दू, सो इंशाल्लाह ताला आई विल स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश एंड मोस्ट ऑफ माय स्पीच विल बी इंशाल्लाह इन इंग्लिश। Respected brothers Islam, when we came in this world, we have forgotten we have to go somewhere else. We are thinking this is our last destination, but my respected brothers, this is not our last destination. This is our transit. In this world, when we travel from one country to the other countries,
And we stay there, we see the living life is very good. We do the application for our permanent residence. And as soon as possible, we get the permanent residence, we are very happy. So many hundreds of calls are coming out of the countries to our relatives. We call them, Alhamdulillah, we got the permanent residence. This is betrayed, my respected brother. This is not the fact, but the truth. Inshallah, after 60 years, 70 years, again he will push away. Then this is not the permanent residence. Make application for your permanent residence for Jannatul Firdaus. Inshallah, nobody will take out from this. इस दुनिया में आकर ये चमक धमक मर हम खो गए प्यारे, समझते हैं बस यही रहना है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे जिंदगी के चार दिन, दो आरजू में कट गई दो इंतजार में। दिन जिंदगी की खत्म होगी एक शाम आएगी, खामोश होकर सो जाओगे सब कुंजे बता। हजरात, मौत किसी खेल और तमाशे का नाम नहीं। महबूबे करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, मौत या तो रहमत है या तो जहमत है। नेक बंदों के लिए, मोमिनों के लिए मौत रहमत है, बदबख्तों के लिए मौत जहमत है, तूफान है, आजाब है, एक भयानक किस्म की घबराहट का आलम है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने के धरती पर ऐलान किया, ओ लोगों, मौत को खेल तमाशा ना समझो। मौत का आलम जब होता है, रुईदार कपड़ा ले लो, कांटेदार दरख्त के अंदर मारो, कपड़े को खींच कर देखो, रेजा रेजा टूट जाता है। जब एक बदबख्त इंसान का रूह जिस्म से निकाला जाता है, उसके नस नस टूट जाते हैं, इंसान चीखता है, चिल्लाता है। जिंदगी में जैसा कर्म किया है, मौत वैसा मिलेगा। पेड़ आम के लगाओगे नींबू नहीं खाओगे, आम के दरख्त लगाओगे तो आम ही फलेगा। जैसा बीज लगाओगे प्यारे, वैसा ही फसल काटोगे, और कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा, खुद काटना पड़ेगा। और नेक बंदा जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, मौत उसके लिए रहमत है। वो तो इंतजार करता है कि मौत कब आ जाए, वो तो खुश होता है जब मौत का फरिश्ता करीब देखता है। वो कहता है, आ जा, बड़ी देर की है। अरे तेरी ही इंतजार थी, ये मरने की देर है कि प्यारे मुस्तफा की ज़ियारत होगी। जिस नबी को आंखों ने देखा नहीं, जिंदगी के सफर में, बंदगी में, जिंदगी में, जिंदगी के हर लम्हे में, या नबी सलाम अलैका करता रहा, दुरूद और सलाम पढ़ता रहा, ऐ मौत बड़ी देर लगा दी, आज तू आ गया है, आ जा, गले से लग जा, जल्दी लग जा, अभी जाकर आता तदीदार होगा। तरसती थी आंखें उस नबी के दीदार के लिए बड़ी देर कर, और जो तैयार नहीं होता है, ये वफादार मुस्तफा की ये मौत होती है, और गद्दार मुस्तफा की मौत, वो फरिश्ता आता है, मलकुल मौत आता है, घबराहट का आलम छा जाता है। खुदा की कसम, मैंने बहुत सारी मौतें देखी है। रू छुप जाता है, निकलना नहीं चाहता है, कहीं घुटना में इधर छुप गया, कहीं पेट में छुप गया। आका फरमाते हैं, फरिश्ते उसको खींच खाद कर निकालते हैं। खुदा की कसम, मैंने इन गुनहगार आंखों से देखा है मरते हुए बंदा इंसान को, उसका खून पेशाब पखाने से बाहर आया। नेक इंसान जब मरता है, फरिश्ता आता है, जिंदगी के सफर में अल्लाह के हुक्म का माना, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल किया, फरिश्तों की बारात